अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास, मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज का टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट, नॉट जस्ट इफ़ स्टेटमेंट। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, बेसिक सी। इफ़ स्टेटमेंट तो हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनमें सबसे जो बेसिक ओरिजिन स्टार्ट है हमारा, वो इफ़ स्टेटमेंट है। क्वाइट सिंपल सी ये स्टेटमेंट है, इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने यहाँ क्यों लिखा, एक्चुअल में ना अगर आप अपने लिटरेचर को देखो, C++ के जितना भी प्रोग्रामिंग का लिटरेचर है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कहा जाता है। इफ़ को, इफ़ एल्स को, इफ़ एल्स डिटेल में जाने वाले हैं, नेस्टेड इफ़ को, फिर आगे ज़्यादा और ज़्यादा सारी आएंगी। बट जो बेसिक क्राइटेरिया या स्ट्रक्चर है, मैं इनको हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट कहता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि कंडीशनल क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि इसमें कंडीशन आएगी, या इफ़ कब चलेगा, एल्स कब चलेगा, एल्स इफ़ कब चलेगा, ये सारी चीज़ें कब चलेंगी, जब हम कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट होने की वजह से इन्हें कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या कह रहा हूँ, सिंपल सी बातें कह रहा हूँ। तो हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इफ़ स्टेटमेंट को और कुछ बेसिक सी चीज़ों को। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करता हूँ बात को इफ स्टेटमेंट से पहले, कि अगर हमने यूज़र से वैल्यू गेट करनी हो, जो कि अभी तक हम प्रोग्रामिंग में बेसिकली डिस्कस नहीं कर चुके, लेकिन अब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है। मेरी बात को ठीक से समझिएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ रफ सा लिख लेते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। मैं इसलिए पहले लिख लेता होता हूँ ताकि ना टाइम बच जाए, अब बोर नहीं होते। आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD, लेकिन अब बोर कर रहा हूँ, सॉरी, मजबूरी है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर आपको बताना ज़रूरी है ताकि आप पहले यूज़र से वैल्यू गेट करना सीख सकें। ओके, ये तो सब में आएगा ही आएगा। ओके, कौन आयो डॉट एच लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डेव C++ है, हम C# या पुरानी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। ओके, ये हमारी क्या आ गई, प्रोग्राम की बॉडी आ गई। ओके, मुझे यूज़र से वैल्यू लेनी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यूज़र साहब अपनी एज एंटर करो, तो मैंने क्या किया, इंट एज लिख दिया, दैट्स इट, बस ये लिखा है। ये लिखने से क्या हुआ कि रैम के अंदर एज नाम का एक बॉक्स बन गया, जो हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं डिटेल से। क्या हुआ, एज लिखने से एज नाम का मेमोरी में एक रिजर्व हो गई, जगह हो गई। ओके, अब मुझे यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी है। बात को ठीक से समझें, मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। अगर मैं यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एज, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एज क्या है, एम्प्टी, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूज़र से वैल्यू आउटपुट करवाऊँ, यानी कि जो मेरी कंसोल आउटपुट विंडो है ब्लैक कलर की, उस पर लिखा है एंटर एज, और जो यूज़र एंटर करे एज, मैं उसको आउटपुट करवाऊँ, क्योंकि कंडीशन मैं उस पर लगाना चाहता हूँ। बात को ठीक से समझना है, मज़ेदार काम है, स्लो स्लो करके बताता हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ एंटर एज लिखा है, तो मैं लिखूँगा सी आउट एज इट इज़, जो लिखा आप जानते हैं, हम लिखेंगे एंटर एज, और बेटा जी एज एंटर करो। ओके, जैसे ही मैंने डबल कोर्स को क्रॉस करके सेमी कॉलन लगाया, एज इट इज़ ये तो प्रिंट हो गया, लेकिन अब वो जो लिख के एंटर करेगा, वो जो टाइप करके एंटर करे, ये तो लिखा आ गया और कर्सर यहाँ ब्लिंक हो रहा होगा, पर वो जो लिखेगा, फॉर एग्जांपल वो 26 लिखता है, 92 लिखता है, 92 या 17 लिखता है, 12 लिखता है, कुछ भी एज लिखता है, जब वो एंटर करेगा तो वैल्यू जानी किस में चाहिए, इस एज वेरिएबल में। तो वो कैसे करते हैं, मैं वही आपको आज बताने लगा हूँ, कि जब हमने किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू भेजनी हो, तो हम लिखते हैं सी इन या सी आउट, का मतलब है आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट शो करना, और सी इन का मतलब है वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेके जाना। और इसके लिए हम एक्सट्रैक्शन इंसर्शन तो ये है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है, ये है स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, ये है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। आई होप सो आपको याद होगा, मैंने इसको डिस्कस भी किया हुआ है आपसे, बिटवाइज ऑपरेटर वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था। ओके, अब सी इन कर दो क्या, सी इन कर दो क्या, जो यहाँ पे टाइप किया जा रहा है वो एज वेरिएबल के अंदर। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, आई नो मैं स्लो भी बता रहा हूँ, कुछ लोग तो बोर हो रहे होंगे जिन्हें आता है कि सर ये क्या बता रहे हो, या ये तो बिल्कुल बेसिक है, या जिन्हें नहीं ना आता उनके लिए प्रॉब्लम है, मैं भी कमज़ोर स्टूडेंट रह चुका हूँ, आई नो दैट, इट्स ओके। ओके, शुरू करते हैं दोबारा से। बात ये है, आपने लिखा इंट एज, एज लिखते ही एज नाम का एक वेरिएबल मेमोरी रिजर्व करके बैठ गया, यानी रैम के अंदर एक एज नाम का वेरिएबल बैठ गया, इसने जगह उसने रिजर्व कर ली, क्योंकि इंटीजर है तो 2 bytes रिजर्व कर ली। ओके, हमने लिखा सी आउट करो एंटर एज, आपने सी आउट कर दी एंटर एज, और ये कर्सर ब्लिंक होने लग गया। अब जो भी वो लिखेगा, 46 लिख दे, 12 लिख दे, 1 लिख दे, डजंट मैटर, एक तो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट में कोई भी नहीं एज लिखता यार। ओके, जैसे वो 12 लिख के एंटर प्रेस करेगा, एज के अंदर वैल्यू चली जाएगी जो भी उसने लिख के एंटर की होगी। 12 लिख के एंटर किया, तो सी इन कर दो एज के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है। आई होप सो के समझ आ रहा है, क्योंकि जब तक ये नहीं ना आएगा
तब तक मैं आगे वाली स्टोरी आपको बता नहीं सकता, और ज़्यादातर होता भी ऐसा ही है लिटरली। मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी प्लेलिस्ट्स देखी हैं, काफ़ी टीचर्स को देखा है, इवन इंक्लूडिंग मी। समटाइम हम ये गलती करते हैं, ये सिखाए बिना डायरेक्ट स्टूडेंट को स्टेटमेंट पे ले जाते हैं, जो कि ज्यादती है। पहले वेरिएबल में वैल्यू का सेव होना तो सिखाओ, ताकि आगे वाला काम उसे आ सके। ओके, अब हमने एज में ये प्रिंट तो सेव तो करवा दिया, बट क्या मैंने आउटपुट जनरेट की? नो, अभी तक मैंने ये तो बताया ही नहीं कि एज को मैं यूज़ कैसे करूँगा। तो ये आपने याद रखना जो आप बताने लगा, आपने लिखना सी आउट, यहाँ हमने लिखा एज, जो उसने एज लिखी है इज इक्वल टू। अब अगर आपने आगे शो करवाना है कि नीचे लिखा आना चाहिए एज इज इक्वल टू, यहाँ लिखा आना चाहिए, जैसे ही उसने 12 लिख के एंटर दबाया तो अब क्या चलेगा, अब ये आउटपुट स्क्रीन पर आएगा ना, लिखा क्या आएगा एज इज इक्वल टू। और आगे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ क्या, जो भी उसने एज में सेव किया वो, आगे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ जो भी उसने एज में सेव किया, तो उसको प्रिंट कराने का तरीका या स्टीम इंसर्शन ऑपरेटर, और जो भी मेरा वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो। देखिए मेरी बात को ठीक से समझें, यहाँ पे मैं ना पहले क्लोज करके दोबारा एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ताकि आपको ठीक से समझ आए। अगर मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 5 और ये क्लोज कर देता हूँ, अब ज़रा ठीक से समझिएगा, मैं ज़रा ठीक से ही बताने लगा हूँ, ठीक से कही जा रहा हूँ, समझाना भी तो ज़रूरी है। अगर मैं ये लिखता हूँ और अगर मैं ये लिखता हूँ, तो these two different things actually for my console output window, सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, इस हिस्से के आउटपुट की बात कर रहा हूँ, कि अगर मैं सी आउट करवाता हूँ डबल कोर्स में ए, तो वो आउटपुट क्या आएगी, ए। और अगर मैं कंसोल आउटपुट करवाता हूँ सिर्फ ए, सिर्फ लिखता हूँ डबल कोर्स नहीं लिखता हूँ, तो ए के अंदर जो वैल्यू है अब वो स्प्रे हो, अब वो प्रिंट होगी। मैंने ए 5 लिख दिया क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए ऑपरेटर नहीं लिखा, इसलिए ये ऐसे ही आएगा। यू नो दैट ना, नेक्स्ट लाइन के जाने के लिए मैं स्लैश एन लिखना पड़ता है, यू नो दैट, या तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। एस्केप सीक्वेंस की बात नहीं यहाँ कर रहा मैं, यहाँ पे अगर कोई क्लास मिस किया तो ज़रूर सारी क्लासेस को देखो, मैंने इसलिए प्लेलिस्ट बनाई है ताकि आप सीक्वेंस में देख सको, और मैं स्लो स्लो इसलिए बता रहा हूँ, आई नो क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन सही से प्रोग्रामिंग आएगी, इंजीनियरिंग सीखनी है। दोबारा से आपने लिखा इंट एज इक्वल टू 5, जब आप सी आउट करोगे डबल कोर्स में ए, तो ए एज इट इज़ प्रिंट होगा, लेकिन अगर आप प्रिंट करोगे सी आउट ए, तो अब ए के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। बात को ठीक से समझना है, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस हिस्से को, तो अब सिर्फ क्या प्रिंट हुआ आएगा 5, लेकिन जैसे ही मैं सिर्फ इसके ऊपर डबल कोर्स लगाता हूँ तो अब 5 नहीं प्रिंट होगा, अब ए प्रिंट होगा। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि हमने जब भी सी आउट करवाना है हमने क्या करना है, सी आउट ये जो लिखा है एज इट इज़ प्रिंट होगा। दोबारा से स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगाते ही वो समझ गया कि आगे जो लिखा जाने लगा है वो इसके आगे प्रिंट करना है, या जैसे ही हमने ये लिख दिया, मैं इरेज करके दोबारा बताता हूँ, ये एज इज इक्वल टू लिख दिया, जैसे ही मैंने ये वाले स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगाया वो समझ गया कि इस आउटपुट के आगे मैंने वो आउटपुट करवाना जो मैं लिखने लगा हूँ। अगर मैं फिर डबल कोट्स में लिखूंगा तो फिर वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, लेकिन मैं क्या लिखने लगा हूँ एज, तो अब वो जो एज के अंदर वैल्यू सेव है ना वो प्रिंट करवाएगा। दैट्स इट, बेटर वे तो यही है कि आप वीडियो को यहीं पॉज करो और एज इट इज़ ये वाला जो प्रोग्राम है ये मैं ये इरेज कर देता हूँ, इतना हिस्सा, या दैट्स इट, इतना हिस्सा जो है अभी ही प्रैक्टिस करो, मतलब मेरे कहने पे मेरी मान लो, इतना हिस्सा फ़ौरन से डेव सी प्लस प्लस का कंसोल आउटपुट यानी कि निकालो, मतलब कि आप डेव सी प्लस प्लस के इंटरफेस पे जाओ, उसे ओपन करो, उसके ऊपर डिटेल से इस प्रोग्राम को ऐसे ही प्यार से लिखो, उसको सेव करो और उसकी आउटपुट जनरेट करके देखो ऐसे आती है। हाँ, एज आप जो भी एंटर करोगे वही आएगी, मैंने 12 एंटर किया तो 12 आ रही है, बेटर होगा फिर वीडियो को कंटिन्यू करो, ये सजेशन है। आगे अगर कोई जीनियस है ज़्यादा उसे ये चीज़ें पता हैं, नो प्रॉब्लम, बोर नहीं करता, जल्दी से जंप करता हूँ मैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, या ऑल राइट, दैट्स इट, थोड़ा साफ साफ हो जाए ना। ओके जी, अब हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की, एंड आई होप के कुछ लोग जिन्होंने स्टार्टिंग पे काम करना शुरू किया उन्होंने ये आउटपुट देख ली होगी, आई होप सो, मेरी मान लिया करो यार। ओके, अब इफ़ स्टेटमेंट की बात आने लगी है तो वो ये कि अगर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उस पर कोई इफ स्टेटमेंट, कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ आएगी, ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे मैं ये कह दूं, बेस्ट एग्जांपल आ गई कि जो 18 ईयर्स ओल्ड लोग हैं, 18 साल के या 18 साल से बड़े, वोट सिर्फ वही दे सकते हैं और कोई वोट नहीं दे सकता, बात को ठीक से समझना, उसे छोटे भी नहीं दे सकते, और बड़े कितने के बड़े, 100 तक, ठीक है, तो ठीक है, वो एक अलग टॉपिक आ जाएगा कि हमने दो कंडीशन लगानी है, अभी सिर्फ एक कंडीशन कि 18 साल के एज के लोग या 18 साल से बड़े एज वोट दे सकते हैं, उससे छोटे नहीं दे सकते। तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन हो गई, एंटर योर एज, इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 यू कैन बी एबल टू वोट, अदरवाइज यू कॉन्ट बी एबल टू वोट। आई होप सो समझ आ रहा है, फिर से एंटर योर एज, यूज़र ने एज एंटर की, अब अगर वो 12 करता है तो हम उसकी एज को कंपेयर करेंगे 18 और 18 से ग्रेटर से,
तो हम बता सकते हैं यू कैन बी एबल टू वोट और यू कैन नॉट बी एबल टू वोट. तो अगर उसने 12 एंटर किया तो हम क्या लिखाएगा, यू कैन नॉट बी एबल टू वोट, ट्राई अगेन सम ईयर्स लेटर. या लेकिन अगर वो एंटर करता है 18 या 18 से बड़ी वैल्यू तो क्या लिखाएगा, यू कैन बी एबल टू वोट. आई होप सो आप समझ रहे हैं. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इफ कंडीशन यूज करते हैं. गूगल पे बेतहाशा एग्जांपल्स हैं. ये एग्जांपल मैंने खुद ही तैयार किया अपने ब्रेन से, मुझे बहुत मज़ेदार सी लगी तो खुद से मैंने क्रिएट कर दी कि सैलरी और बोनस वाली बनाता हूँ. और छोटा प्रोग्राम जानबूझ के नहीं बनाया, सॉरी मैंने जानबूझ के छोटा सा प्रोग्राम नहीं बनाया, थोड़ा सा लेंथी कर दिया ताकि यार अब मज़ेदार प्रोग्राम बनाने सीखो. अब आप खुद से सोचो, जब ये मैं प्रोग्राम आपको सिखा दूंगा अभी तो इसके बाद आप खुद से प्रोग्राम बना सकोगे. आई लिटरली टेलिंग यू, बस एज इट इज़ इसको लिख के एक दफ़ा प्रिंट करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है, वैल्यूज़ को चेंज कर करके देखना है. इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग सीखना. तो मैं आपको स्क्रैच लेवल से शुरू कर रहा हूँ सिखानी और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बेटर से बेटर आता चला जाएगा. ओके, पहले सिंटैक्स की बात करते हैं. तरीकेकार कुछ यूँ हैं कि आपने यूज़र से इनपुट लेने के बाद या इनपुट करने के बाद किसी भी तरह से आपको कोई वैल्यू चाहिए, इफ़ अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चल जानी चाहिए. अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, अच्छा फॉल्स होती है कि बात अभी नहीं हो रही क्योंकि वो इफ़ एल्स टॉपिक है. अभी सिर्फ एक ही इफ़ की बात हो रही है जिसे ज़्यादातर बुक्स में कहा जाता है. हाँ अब मैंने ये तो बताया ही नहीं, आपकी बुक में ज़्यादातर इसको कहा जाएगा सिंपल इफ़. क्या सिंपल इफ़ स्टेटमेंट? ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस एरिया को रन कर दो. किस एरिया को? ये वाले एरिया को जो इन ब्रैकेट के अंदर है. और अगर ये फॉल्स होती है तो वो भी बात हम कर ही नहीं रहे, वो अगले लेक्चर में करेंगे जब इफ एल्स की बात करेंगे. अभी सिंपल इफ के, सिर्फ इफ. ओके, प्रोग्राम मैंने बहुत ही मज़े का लिखा है, स्टोरी वाइज मज़ेदार सा है. देखो क्या मैंने लिखा है कि हमारे पास इंप्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी है 20,000 और हम उन्हें बोनस देने लगे हैं कुछ इंप्लॉयज़ को. या वो इंप्लॉयज़ को बोनस 2,000 मिलेगा जिनकी जो सेल्स है ना वो 10,000 से ज़्यादा है. मतलब अगर कोई हमारा एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय ने सेल की है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, ये कंडीशन है. दोबारा से मज़ेदार है, सही से समझना. मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी बेसिक सैलरी है 20,000, मैं उन्हें बोनस देने लगा हूँ 2,000 का. पर किसको? जो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा, जो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा की सेल्स कर चुका है, सिर्फ उसे. तो कंडीशन तो आ गई. फिर से सुनो स्टोरी, हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने लगे हैं, उनकी सैलरी है 20,000, ये लिखा मैंने. बोनस भी देंगे उन्हें 2,000 का. किन को? सिर्फ उन लोगों को जिनकी सैलरी 20,000 में 2,000 ऐड कर देंगे, सिर्फ उन लोगों के जिन्होंने सेल्स की है 10,000 की या 10,000 से ज़्यादा की, उन्हें मिलेगा बोनस. तो शुरू करें. या तो सबसे पहले तो ये मेन क्राइटेरिया आ गया ना, ये तो आ गया हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन. और ये हमारी ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, ये हमारी बॉडी ऑफ द फंक्शन आ गई, मेन फंक्शन की बॉडी. यहाँ तक तो क्लियर है. अब बीच का जो खेल है वो खेलते हैं, मज़ा लेना है, सही से समझना. ओके, इंटीजियर एक वेरिएबल लिया और सैलरी नाम का वेरिएबल, ये आ गया हमारा सैलरी नाम का वेरिएबल मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर. और उसमें हमने वैल्यू क्या दे दी? 20,000. तो ये 20,000 सेव हो गई. फिर हमने एक वेरिएबल लिया बोनस, ये बोनस नाम का वेरिएबल बन गया मेमोरी में और उसमें वैल्यू क्या स्टोर करवाई? 2,000 स्टोर होगी. फिर हमने एक वेरिएबल लिया सेल्स नाम का और उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई. जी हाँ, उसमें हमने सिर्फ उसको सेल्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसको खाली छोड़ दिया. अभी बताता हूँ क्यों, क्योंकि उसमें तो यूज़र से इनपुट लेनी है ना, जैसे अभी भी यूज़र से इनपुट ली थी एंड आई होप सो कि हमने ट्राई की होगी. ओके, अब हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं. ये हमारी कंसोल आउटपुट विंडो आ गई. फॉर एग्जांपल ये RFC लिखा आएगा, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ताकि ठीक से समझ आए और आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा. ओके, सी आउट एंटर योर सेल्स इज इक्वल टू, लिखा क्या आएगा? एंटर योर सेल्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा. स्टोरी शुरू से दोबारा देखें, हमने तीन वेरिएबल लिए, सैलरी उसकी फिक्स कर दी, बोनस भी फिक्स कर दिया और सेल्स नाम का जो वेरिएबल है उसको खाली छोड़ दिया और यूज़र से कहा एंटर योर सेल्स इज इक्वल टू और आगे कुछ भी नहीं है, तो कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा. सी इन कर दो जो भी वो लिखे उसको सेल्स में. अब आई होप सो आपको समझ आ रही होगी. फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर लिख देता है 12,000, उसने 12,000 की सेल की है. जैसे उसने सी इन किया, सेल्स में क्या जाके सेव हो गया? 12,000. आई होप सो स्टोरी समझ आ रही है. आई होप सो. या ठीक है. ओके,
सीन कर दिया सेल्स में। ऐसा करूँगा इस प्रोग्राम को ना आपको ना मैं अपने डेस्कटॉप विंडो पे भी दिखा दूँगा, फिर ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अगर डेस्कटॉप पे इसकी रनिंग सामने दिखा दूँगा तो आपकी तसल्ली हो जाएगी, हाँ ये ऐसे ही वर्किंग कर रहा है, काम कर रहा है। बट बेटर भी यही होगा कि जैसे ही कंप्लीट करूँ वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, जहाँ से कन्फ्यूजन हो वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ, आपको डेस्कटॉप पर ले जाता हूँ अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद, और वहाँ पर इसकी रनिंग भी दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से स्टोरी चलती है आगे, इफ स्टेटमेंट की शुरुआत यहाँ से होती है। अब हमने ये देखना है जो उसने सेल्स एंटर की हैं, इफ़ सेल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, या यहीं पे तो लगेगी कंडीशन, इसलिए मैंने कहा यहाँ कंडीशन लगेगी। इफ ब्रैकेट के अंदर क्या आ गई कंडीशन, ये आ गई हमारी कंडीशन, इफ सेल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, तो ये वाली जो विंडो है इसको रन कर दो, इसको रन कर दो। अब इस रनिंग में हम चले गए, इस रनिंग में क्या पड़ा हुआ है सैलरी, या सैलरी नाम का जो वेरिएबल है वो कहता है इसी वेरिएबल के अंदर क्या करो, जो सैलरी है उसमें प्लस कर दो बोनस, अगर ये कंडीशन क्या होती है ट्रू होती है। तो इस केस में तो ट्रू हो रही है, उस हमने कहा एंटर योर सेल्स, उसने एंटर किया 12,000, जैसे ही उसने 12,000 एंटर किया उसने कंपेयर किया कि क्या जो 12,000 है यहाँ आ गया 12,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, तो कंपेरिजन में क्या हुआ कंडीशन क्या हो गई ट्रू। जैसे ही ट्रू हुई तो ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रन कर दो, जैसे ही इसको रन करने लगा हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आएगा और देखेगा सैलरी में क्या पड़ा हुआ है 20,000। ओके, अब उसने क्या करना है, उसने सैलरी के अंदर सेव कर देना है सैलरी जो कि क्या है 20,000 प्लस बोनस, यानी कि 20,000 और प्लस 2,000, और दोनों ये 2,000 ही लिख दिया मैंने, 20,000 आएगा यहाँ पे। सैलरी में उसने देखा कि लिखा है 20,000, या थोड़ा साफ ही रहे तो बेहतर है। ओके, सैलरी में उसने देखा लिखा है 20,000 प्लस बोनस लिखा है 2,000, तो दोनों मिलके क्या हो गए 22,000, तो वो क्या करेगा सैलरी वाली जगह पे अब इसको रिप्लेस कर देगा 22,000 से। एंड यू नो दैट वेरिएबल वाली क्लास में हमने ये डिस्कस किया है कि अगर उसी वेरिएबल के आगे हम कोई और वैल्यू लिख दें तो उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाती है। आई होप सो आप समझ रहे हैं, वरना क्लासेस मिस मत करो। कंटिन्यू, सैलरी वाले वेरिएबल में क्या करो, सैलरी जो कि बेसिक 20,000 पहले लिखी है वो, प्लस बोनस जो कि 2,000 है वो, इनको ऐड करके इसमें सेव कर दो, वो सेव कर दिया। और अब सी आउट करो, क्या सी आउट जो करेगा वो वैसे लिखाएगा, सी आउट लिखाएगा योर सैलरी विद बोनस, सी आउट योर सैलरी, आई नो बोरिंग हो रहा है यार, ये आगे लिखाएगा लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, विद बोनस इज इक्वल टू, या योर सैलरी विद बोनस इज इक्वल टू, यहाँ तक तो आउटपुट ऐसे ही आएगी क्योंकि डबल कोर्स में लिखा है। आगे क्या लिखा है, या स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर आया, यानी कि ये भी आउटपुट करो क्या जो सैलरी में सेव है, तो सैलरी में क्या सेव है 22,000, तो यहाँ पे वो शो कर देगा 22,000। और उसके बाद हमारी ये वाली इफ़ की जो विंडो है, इफ़ की जो हमारी ब्रेसिस हैं ये ख़त्म होंगी, और फिर इंट मेन फंक्शन की जो ब्रेसिस हैं वो यहाँ ख़त्म होंगी, और जैसे ही हम रन करेंगे ये आउटपुट जनरेट होगी। करके देखो, आई होप सो कि आपको बेटर वे लगेगा, एक दफ़ा ना खुद करके देखो अपने हाथों से टाइप करके। IDE पे जाओ, डेव C++ पे, ओपन करो इंटरफेस को और पूरे का पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ छापो, ऐसे ही लिखो, और फिर उसकी आउटपुट जनरेट करके देखो। F11 शॉर्टकट की है कंपाइल एंड रन की, कहीं कोई एरर आ रहा हुआ तो वो खुद देख लेना कि कहीं कोई एरर मिस्टेक तो नहीं आ रही, स्पेलिंग मिस्टेक में भी गड़बड़ आ जाती है, वो सारी चीज़ें देख लेना। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बेशक आप पूछ सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, इसी प्रोग्राम को अपने डेस्कटॉप पे ले जाके आपको जल्दी से इसकी आउटपुट जनरेट करके ऐसे ही एज इट इज़ आपको दिखाता हूँ। कोशिश करूँगा पहले प्रोग्राम लिखूँ और जल्दी से आपको आउटपुट दिखा दूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप समझो हाँ यार सर झूठ नहीं बोल रहे, सच कह रहे हैं, ऐसे ही प्रोग्राम लिखो, ऐसे ही एंटर करो वैल्यूज़ तो आंसर सही आता है। तो आप ऐसा कीजिए, मेरे डेस्कटॉप विंडो पर पहुँचते हैं और काम करते हैं, और साथ साथ आप अपनी डेस्कटॉप पे या डेव C++ अपना भी सॉफ्टवेयर ओपन करो वीडियो देखते हुए, और खुद इसकी प्रैक्टिस करो। लिटरली टेलिंग यू, जो आपने अपने हाथ से करना है वो मैटर करता है। मैं थोड़ा इमोशनल होकर कह रहा हूँ या बट सच है यार, बिटर ट्रूथ है या कैसा भी ट्रूथ है, पॉजिटिव पीसफुल ट्रूथ, कुछ भी ट्रूथ कह लो, सच यही है। जैसे मैथमेटिक्स है वैसे कंप्यूटर साइंस है, मैं दोनों को सेम सब्जेक्ट समझता हूँ, ये जुड़वा सब्जेक्ट्स हैं, एक जैसे हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आएगा। अगर आप सेम एज इट इज़ छापा मार के कहोगे मुझे आ गया, नहीं आया, उसके साथ एडिटिंग करो, उसके में अंदर चेंजिंग करो। कैसे, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर हमारी डेस्कटॉप विंडो पर हम जाते हैं। आप क्या करो, बोनस को चेंज करो अपने प्रोग्राम, पहले बेशक सेम बना लो, उसके बाद प्रोग्राम क्या करो चेंज करो। अब बोनस को चेंज कर दो, बोनस को कहो मैं 4,000 बोनस दूंगा, लेकिन सैलरी इंक्रीज़ करके 50,000 कर दो, सेल्स को इंक्रीज़ करके 20,000 कर दो। इस तरह के खेल खेलो, या इस तरह कर लो कि बोनस की परसेंटेज निकालूंगा मैं पहले। मुश्किल लग रहा है, टाइम लगेगा, चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, डोंट वरी, सिर्फ शुरुआत करने की देर है।
क्या आपको होगा, मैं यूज़र से ही एंट्री करवाऊँगा, सैलरी उसकी एंटर करवाऊँगा, या तो ये तो एक और खाली आ गया वेरिएबल, यूज़र जैसी वैल्यू सैलरी एंटर करेगा मैं उसकी 10% परसेंटेज बोनस में सेव करवाऊँगा, और फिर जो बोनस आएगा उसको और सैलरी को मिला के मैं उसकी सैलरी आउटपुट करवाऊँगा। वाह क्या बातें कर रहा हूँ मैं, आई होप सो आप समझ रहे हो मैं क्या खेल खेलना चाह रहा हूँ। जैसे ईद पे ईदी देते हैं कुछ कंपनीज वाले, कोई भी ओकेजन आता है साल का तो समटाइम बोनस मिलता है साल के बाद, तो वो परसेंटेज होती है उस सैलरी की, तो मैं वो वाला प्रोग्राम कह रहा हूँ। मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन अगर आप ट्राई कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो इट्स ओके, अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल है। ऐसे प्रोग्राम भी अभी अगर आप करना शुरू कर दें तो नॉट अ बैड थिंग, अच्छी बात है कि अगर आपने इनिशियली शुरू किया, मैं भी लोड ज़्यादा ही डाल रहा हूँ आई नो दैट, लेकिन आपकी स्किल डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। ये कभी मत सोचना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पास करना है जल्दी जल्दी पेपर और मुझे जल्दी जल्दी अपनी असाइनमेंट पूरी करनी है, वो तो हो जाएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी स्किल डेवलप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्किल डेवलपमेंट इज़ फार देन मच इंपॉर्टेंट देन योर एग्जाम्स, फॉर मी, मेरे लिए आपकी स्किल इंपॉर्टेंट है डेवलप करना, बाकी अप टू यू, क्योंकि कुआं कितना भी शोर मचाता रहे प्यासे ने खुद ही आगे पानी पीना, और जितनी मेहनत वो करेगा उतना ही उसके लिए बेटर है। तो जल्दी से बातें कम करता हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही डिबेट करना शुरू हो गया हूँ, बोर कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। जल्दी से मूव करते हैं और मेरी डेस्कटॉप विंडो पे जाते हैं, चलिए चलते हैं मेरी डेस्कटॉप विंडो पे। हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई डेस्कटॉप अगेन। आज हम डिस्कस करने लगे हैं इफ़ प्रोग्राम, जो जैसा हमने अभी व्हाइट बोर्ड पर एक प्रोग्राम बनाया उसी कोड को लेके हम यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा प्रोग्राम बनाते हैं, वही वाला सेम सा, ताकि आप देख सकें ठीक से समझ सकें कि हाँ सर सही कह रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे, वो प्रोग्राम ऐसे ही काम करता है। तो शुरू करते हैं, मेरे डेस्कटॉप पर जाते हैं, वही वाला सेम काम, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन फंक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो बेसिक्स हैं यार, ये तो वैसे ही आएंगी। हमने तीन वेरिएबल इनिशलाइज करवाए, इंटीजर बोनस जिसमें हमने सेव किया 2000, सैलरी में सेव करवा दिया 20000, और इंटीजियर सेल्स नाम का एक वेरिएबल लिया जिसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया। एम्प्टी क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये हम यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जब प्रोग्राम रन हो तो लिखा आना चाहिए एंटर योर सेल्स। अगर ये लिखा आता है एंटर योर सेल्स, तो वो जो भी लिख के एंटर करेगा वो किस में जाके सेल, किस वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, वो वैल्यू जो है वो सेल्स वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी। अब हम इफ़ स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं कि अगर उस एम्प्लॉय ने सेल्स की हैं 10,000 से ज़्यादा, इफ़ सेल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, तो क्या करो कि उसके सैलरी वाले वेरिएबल के अंदर ही उसकी सैलरी में जमा कर दो उसका बोनस, यानी कि 20,000 में ऐड कर दो 2,000, और फिर सी आउट कर दो यानी प्रिंट करवा दो योर सैलरी विद बोनस इज इक्वल टू सैलरी, और इस सैलरी में क्या स्टोर हुआ होगा, इस सैलरी में स्टोर हुआ होगा 22,000। अच्छा ये एल्स वाला पार्ट अभी नहीं है, सॉरी इसको मैं रेज कर देता हूँ, आपका प्रोग्राम अभी सिर्फ इतना है, क्योंकि अभी हम सिंपल इफ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट, क्योंकि अभी एल्स के टॉपिक को हमने नहीं छेड़ा, अभी हम वहाँ पे नहीं गए, जब एल्स के टॉपिक पे जाएंगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट ही लेक्चर है कि इफ स्टेटमेंट के बाद क्या आती है एल्स इफ स्टेटमेंट, तो वहाँ पे हमारे पास दूसरी ऑप्शन होगी। कि यहाँ पे तो बात ये कह रहे हैं ना कि एक ही स्टेटमेंट है, एक ही कंडीशन है कि अगर 10,000 से ज़्यादा या 10,000 के इक्वल सेल्स की है तो सैलरी विद बोनस मिलेगी, तो अगर 10,000 के इक्वल नहीं की तो वो कंडीशन कहाँ है, वो नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना कि 10,000 या 10,000 से ज़्यादा अगर किसी ने सेल्स की हैं तो उसको सैलरी विद बोनस मिलनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम आपके सामने है, हम सिंपली इसको रन करके देख लेते हैं। वही एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया, या जैसे मैं करता हूँ कीबोर्ड से F11 प्रेस किया और ये कंपाइल एंड रन हो गया। देखें जैसे हमने कहा था वैसे ही हुआ, एंटर योर सेल्स, तो सिंपली हम यहाँ क्या करते हैं एंटर योर सेल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ 10,000, बल्कि 12,000 कर देता हूँ, या हम एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, हमने 12,000 सेल्स की हैं, तो इसके हिसाब से हमारी सैलरी बोनस के साथ ऐड होके प्रिंट होनी चाहिए, लिखा आना चाहिए योर सैलरी विद बोनस इज इक्वल टू 22,000। तो मैं सिंपली एंटर करता हूँ, देखो लिखा आ गया योर सैलरी विद बोनस इज इक्वल टू 22,000, इट मीन्स इट्स वर्किंग। या एक काम करते हैं, एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इस तरह से मज़ा नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है, क्योंकि कुछ तो ज़्यादा सीखने को मिलना चाहिए ना, इतना आ गया ये तो बेटर है, लेकिन कुछ और भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजियर एज, और हम ये चाहते हैं कि यूज़र से इनपुट करवाएं, तो हम यहाँ लिखते हैं सी आउट एंटर योर एज, और हम ये चाहते हैं कि यूज़र जब ये प्रिंट हुआ आएगा ना, ऐसे लिखा आएगा कि यूज़र जब भी वैल्यू लिख के एंटर करे तो वो किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए, एज वेरिएबल में। फिर से रिपीट करता हूँ, एज नाम का एक वेरिएबल लिया, सिंपली सी आउट करवाया एंटर योर एज, जैसे वो वैल्यू लिख के एंटर करेगा किस में जाके सेव हो जाएगी, सी इन हो जाएगी किस में, एज में। और यहाँ हम लगाते हैं कंडीशन इफ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो ब्रैकेट लगाओ उस ब्रैकेट के अंदर, तो सी आउट करवा दो यू आर एलिजिबल टू वोट, या दैट्स इट। इसको ज़रा मैं वाई को
कैपिटल्स में लिख के क्लोज कर दो, दैट्स इट, छोटा सा प्रोग्राम। हमने ये कहा कि अगर एंटर करेगा यूज़र एज, अगर उसकी एज 18 से ग्रेटर या इक्वल है तो लिखा आना चाहिए यू आर एलिजिबल टू वोट। और प्रोग्रामिंग करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पेपर पास कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, डैट डजेंट मैटर कि आपकी स्किल डेवलप हो रही है। स्किल डेवलपमेंट में आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि हर प्रोग्राम में छोटा मोटा नन्ना मुन्ना एक और प्रोग्राम करवा दिया करूँ, ताकि ज़्यादा प्रोग्रामिंग करने की आदत पड़े। ओके, अब होना ये चाहिए कि हम F11 प्रेस करें तो लिखा आना चाहिए एंटर योर एज, तो आ गया एंटर योर एज। अब अगर हम 18 या 18 से ज़्यादा करें एज एंटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखा आना चाहिए यू आर एलिजिबल टू वोट। तो सिंपली मैं पहले अपनी एज एंटर करता हूँ 27 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखें लिखा आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट, क्लोज करते हैं। 18 के इक्वल प्रिंट करके देखते हैं कि एंटर योर एज, और एग्जैक्टली 18 दे देते हैं, देखें फिर भी लिखा आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट। अब बात करते हैं कि अगर सिर्फ सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं और अगर रॉन्ग इनपुट दे दी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम कोलैप्स कर जाएगा, यानी एंड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं 5 दे देता हूँ एज, तो वो कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, बिकॉज अभी हम सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट कर रहे हैं, एल्स इफ तक नहीं पहुँचे, वो नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। आई होप सो कि ये आपको प्रोग्राम समझ आ गया होगा। नाउ गो बैक टू योर क्लास, थैंक यू। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, जो प्रोग्राम मैंने लिखा था मैंने आउटपुट जनरेट करके आपको दिखा दिया और डिफरेंस भी बता दिया। आई होप सो कि इस क्लास ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी प्रोग्राम का इफ एल्स करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक अपन और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।